ठुकराई हुई दुल्हन की तरह लुट जाएगा हार सिंगार मेरा, रह जाएगा तन्हा प्यार मेरा। टूट लिया तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। जब से तू पिछड़ा है मुझसे दिल है पारा पारा, आ भी जा दिलदारा। हेलो नाजरीन, मैं शमीम आ रहा हूँ, एक मशहूर और लेजेंड पाकिस्तानी फिल्मी हीरोइन और टॉप अदाकारा। मैं पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरी दौर की सबसे बड़ी और ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा हूँ। मुझे पाकिस्तानी कैथरीन हेपबर्न के नाम से भी जाना जाता था। मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी वहीद मुराद, मोहम्मद अली हबीब और एजाज जैसी पाकिस्तानी फिल्मों के अजीम हीरोज के साथ मशहूर थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की मुकम्मल कहानी और फिल्मी करियर की तफसीलात अपने अल्फाज में शेयर करने जा रहा हूँ। इस काविश के लिए मैं मिस्टर वसीम अब्बास साहिर और उनके चैनल लोली बोली का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बराए मेहरबानी इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दिल पर जाना बखैर आगे तो का मेरी देख लेगा कोई, ऐसी उलझन में मुझको न डालिए। दो ही जगह है गुजरे थे हम जहां से, ले आई फिर कहां पर। हेलो फ्रेंड्स, में पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा, हिदायतकार और प्रोड्यूसर थी। मुझे दी ट्रेजिक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो अक्सर फिल्मों में ट्रेजिक हीरोइन के किरदार अदा करती थी। मैं अपने वक्त की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक थी और 1960, 1970, 1980 और 1990 के दौर की टॉप फिल्म डायरेक्टर्स में से एक थी। मुझे पाकिस्तानी सिनेमा की अब तक की सबसे बासर अदाकाराओं में शुमार किया जाता था। मैं पोतली बाई के नाम से अलीगढ़, बरतानवी हिंदुस्तान में 1938 में पैदा हुआ। 1956 में मैं अपने खानदान के साथ लाहौर पाकिस्तान में कुछ रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था जब मरूफ फिल्म डायरेक्टर नजम नकवी से मौका मिलने के बाद मुझे उनकी अगली फिल्म के लिए साइन किया गया। हिदायतकार अपनी फिल्म कनवारी बेवा 1956 के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और मेरे प्यारे चेहरे, मीठी आवाज, काबिल रसाई शख्सियत और मासूम लेकिन मधु मुस्कुराहट से बहुत मुतासिर हुए। ये नजम नकवी ही थे जिन्होंने मुझे स्टेज के नाम शमीम आरा से मुतारफ कराया क्योंकि मेरा पिछला नाम बदनाम जमाना डाकू पोतली बाई से मिलता जलता था। अगरचे इस फिल्म ने बहुत से नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं किया लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उफुक पर एक काबिल जिक्र नई खातून स्टार नमूदार हुई। मेरा पहला नुमाया किरदार 1958 में अनवर कमाल पाशा की अनारकली में बतौर सुरिया था जिसमें नूर जहां के साथ अनारकली का नाम था। अगले दो सालों तक मैंने चंद फिल्मों में काम किया लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी, जिनमें वारे जमाने, राज और आलम आरा शामिल है। ताहम 1960 में एसएम यूसुफ की सहेली में एक यादगार दुल्हन के तौर पर एक अहम किरदार मेरे करियर के लिए एक पेशरफ्त साबित हुआ। फिल्म कैदी 1962 में रशीद इतरी की मौसीकी के साथ गाने मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, पाकिस्तान के नामवर शायर फैज अहमद फैज की लिखी हुई नज्म और मैडम नूर जहां ने गाया था कि फिल्म बंदी ने हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। ख्वातीन में मेरी तकरीर, मेरे मेकअप और मेरे बालों की नकल करना शुरू कर दी थी। मैं एक घरेलू नाम बन गया था। मेरी शोहरत और बेमिसाल अदाकारी की महारत ने मुझे फिल्म नायला 1965 में टाइटल करेक्टर दिया जो इस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में पहली रंगीन फिल्म थी। मेरी अलमनाक नायला की तस्वीर कशी ने मेरी मजीद तनकीदी तारीफ हासिल की।
मैंने कई हिट फिल्मों में अदाकारी की जिनमें देवदास, दोराहा, हमराज शामिल हैं। ताहम कद 1962, चिंगारी 1966, फरंगी 1966, नायला 1965, आग का दरिया 1966, लाखों में एक 1967, सायका 1968 और सालगिरह 1968। इन फिल्मों ने मुझे मेरे करियर में एक अहम मकाम दिया और मुझे लॉलीवुड में 1960 की दहाई की टॉप अदाकारा के तौर पर एक मकाम हासिल हुआ। मेरा अदाकारी का करियर इस वक्त रुक गया जब मैं 1970 की दहाई के अवाइल में एक अहम खातून के तौर पर रिटायर हो गई, लेकिन इसने मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से नहीं रोका क्योंकि मैंने खुद फिल्में बनाने और हिदायत करने का आगाज किया। ताहम इनमें से कोई भी फिल्म कामयाबी की इस सतह पर नहीं पहुंची जो मेरे अदाकारी के उरूज पर थी। जीदाद 1959 और 30 मार खान 1989 सिर्फ दो पंजाबी फिल्में थी जिनमें मैंने परफॉर्म किया। 1968 में मैंने अपनी पहली फिल्म सायका 1968 की फिल्म प्रोड्यूस की जो रजिया भट्ट के नावल पर मबनी थी। फिल्म ने बड़ी तादाद में नाजरीन खसूसन ख्वातीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बतौर फिल्म डायरेक्टर 1976 में मैंने पहली बार फिल्म जियो और जीने दो 1976 की हिदायतकारी की। बाद में मैंने डायमंड जुबली फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए 1995 की हिदायतकारी भी की। मैंने जिन दीगर फिल्मों की हिदायतकारी की में प्ले बॉय 1978, मिस हांगकांग 1979, मिस सिंगापुर 1985, मिस कोलंबो 1984, लेडी स्मगलर 1987, लेडी कमांडो 1989, आखिरी मुजरा 1994, बेटा 1994 शामिल है। हाथी मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए 1995, हम तो चले ससुराल 1996, मिस इस्तांबुल 1996, हम किसी से कम नहीं 1997, मोहब्बत 95 1996 और पिल दो पिल 1999। मेरी हिदायतकारी के मंसूबे मेरे अदाकारी के मंसूबों की तरह कामयाब नहीं थे। बुनियादी तौर पर असल मसाइल पर तवज्जो न देने और फार्मूला तर्स की फिल्म साजी को अपनाने की वजह से। जिंदा है कितने लोग मुहब्बत के बगैर, रहना सुन पर अपने पिनहारे का शोर, दिल की खिड़की खुली रहे तो आ जाते हैं चोर। अपना एक बेगाना सुन दो दिल का। मैंने 4 बार शादी की थी। मेरे पहले शौहर और शायद सरपरस्त सरदार रिंग थे जो बलूचिस्तान के एक जमींदार थे जो एक कार हादसे में मर गए। इसके बाद मैंने अब्दुल माजिद करीम से शादी की जो कि अकफा कल्लर फिल्म कंपनी चलाता था। हमारा एक बेटा सलमान माजिद करीम था जो मेरा इकलौता बच्चा था, लेकिन ये शादी तलाक पर खत्म हुई। मेरी तीसरी शादी एक फिल्म डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर डब्ल्यू जेड अहमद के बेटे फरीद अहमद से हुई। वो शादी भी सिर्फ 3 दिन के बाद तलाक पर खत्म हो गई। बाद में मेरी शादी पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर और मुसन्निफ दबीरुल हसन से हुई। हम 2005 तक लाहौर में रहे, फिर मैं और मेरा बेटा सलमान मजीद करीम लंदन चले गए जबकि मेरे शौहर पाकिस्तान में रहे। बीमारी और मौत। पाकिस्तान के दौरे के दौरान मुझे 19 अक्टूबर 2010 को ब्रेन हेमरेज हुआ और मुझे इलाज के लिए वापस लंदन ले जाया गया। मैं 6 साल तक अस्पताल के अंदर और बाहर रहा और मेरी देखभाल मेरे इकलौते बेटे सलमान माजिद करीम ने की जिसे अपने वालिद से विरासत में कुछ नहीं मिला और वो खुद आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी है। फिर मैं 5 अगस्त 2016 को लंदन के एक अस्पताल में काफी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गया।
मेरे इकलौते बेटे ने जनाजे के इंतजाम की क़यादत की और इसे बर्तानिया में दफन किया गया। मेरी मौत की खबर मिलते ही फिल्मी अदाकारा रेशम ने कहा कि उन्होंने शमीम आरा के साथ सिर्फ चंद फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने एक नरम गो और शाइस्ता इंसान का लाजवाल तासुर छोड़ा। मैंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और हिदायतकारी के लिए 9 निगार अवार्ड्स जीते, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड। बरा करम मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।